Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. और ओए की कर रहा है? और मैं सोच रहा हूँ कि हर्षित ने इस टेबल पे इतनी मीटिंग्स की, इतनी वीडियोस बनाई और मेरा डाउट नहीं क्लियर किया। कौन की डाउट? ओ उस दिन वो हलवे हलवे के बारे में बता रहा था ना। ओए की हलवा? अबे वही जो उस दिन बता रहा था, लिटकॉइन हलवा, लिटकॉइन हलवा। मैंने बिटकॉइन हलवे के बारे में जानना सी। क्या हो रहा है यहाँ पे? हलवा नहीं, हेल्विंग। बिटकॉइन नेटवर्क हर 10 मिनट में न्यू बिटकॉइन जनरेट करता है। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब हर 10 मिनट में 50 न्यू बिटकॉइन जनरेट हुआ करते थे, पर हर 4 साल बाद ये नंबर आप होता जाता है, जिसको हम हेल्विंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि नए कॉइन्स बनने की स्पीड कम होती जाती है, जिससे नए कॉइन्स की सप्लाई भी कम हो जाती है। बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन तक लिमिट है, और जब तक ये नंबर 21 मिलियन तक नहीं पहुंच जाता तब तक नए BTC जनरेट होते रहेंगे। फाइनल हेल्विंग काफी टाइम बाद 2140 में होने वाली है, जब सर्कुलेटिंग बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन तक पहुंच जाएगी। बिटकॉइन हेल्विंग काफी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि हेल्विंग साइकिल अश्योर करता है कि हर ब्लॉक में माइन होने वाले बिटकॉइन की क्वांटिटी टाइम के साथ कम होती जाए, जिससे BTC और वैल्यूएबल और रेयर बन जाता है। हेल्विंग साइकिल के कारण अवेलेबल बिटकॉइन की सप्लाई कम होती जाती है, जिससे एग्जिस्टिंग बिटकॉइन की स्कैर्सिटी जनरेट होती है, जो कि इनडायरेक्टली उसके प्राइस को बढ़ा देती है। बिटकॉइन हेल्विंग रेगुलरली बिटकॉइन की डिफ्लेशनरी टेंडेंसी को सिंबलाइज करता है, यानी वक्त के साथ साथ बिटकॉइन का सप्लाई कम होता रहेगा, जिससे बिटकॉइन की हमेशा मार्केट में बुलिश रहने के चांसेस बने रहेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हर हेल्विंग के बाद बिटकॉइन के इन्फ्लेशन रेट कम होती जाती है, और बिटकॉइन की इन्फ्लेशन रेट के ग्राफ में ऑरेंज लाइन हर हेल्विंग के बाद डिक्लाइन शो करता है। हेल्विंग इवेंट बिटकॉइन पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम कर देता है, और जिन ऑपरेटर के पास हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पर बिटकॉइन है उनका हेल्विंग को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हेल्विंग पॉलिसी को बिटकॉइन माइनिंग एल्गोरिथम में लिखा गया था ताकि स्कैर्सिटी मेंटेन करके इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ वैलिडेटर माइनिंग प्रोसेस के थ्रू सभी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। जब वो ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन को पहली बार वेरीफाई कर लेते हैं तब उन्हें करंट BTC माइनिंग रेट के हिसाब से 6.25 BTC दिया जाता है, जिससे बिटकॉइन ब्लॉकचेन के प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के रूप में ऐड किया जा सकता है। करंट बिटकॉइन प्राइस के हिसाब से 6.25 BTC लगभग 1,21,36,000 रुपए के हैं, जिससे माइनर्स को मोटिवेशन मिलता है कि वो ब्लॉक्स ऑफ बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को ऐड करते रहें। ब्लॉक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस हर 10 मिनट के बाद ऐड होते हैं, और बिटकॉइन कोड बताता है कि रिवॉर्ड हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद हाफ कर देना चाहिए। ये रफली हर 4 साल में होता है। तो सिंपल मैथ लगाएं तो अगर एक ब्लॉक को 10 मिनट लगते हैं तो 2,10,000 ब्लॉक्स को 21,10,000 मिनट लगेंगे, जो कि कन्वर्ट करने पे लगभग 4 साल होते हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ बिटकॉइन हेल्विंग। जब बिटकॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ था तब हर BTC को माइन करने के लिए माइनर्स को 50 BTC मिला करते थे, बट जब पहली बार हेल्विंग हुई नवंबर 28, 2012 में, उसके बाद BTC को माइन करने का जो रिवॉर्ड था वो 50 से घट के 25 BTC हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट हेल्विंग इवेंट होने से पहले बिटकॉइन के प्राइस में स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, जिसमें प्राइस को 662 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। हेल्विंग के कुछ महीनों बाद प्राइस क्लाइम करना कंटिन्यू हुआ और दिसंबर 2013 में 68,189 रुपीस से भी ऊपर पहुंच गया था, जिसका मतलब है कि हेल्विंग इवेंट होने के बाद BTC ने लगभग 7,890% की ग्रोथ शो करी थी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दूसरी हेल्विंग 9th ऑफ जुलाई 2016 को हुई, जिसके बाद BTC का माइनिंग रिवॉर्ड 25 से कम होकर 12.5 BTC हो गया। इस इवेंट के वक्त बिटकॉइन की प्राइस ने सिग्निफिकेंट रैली एक्सपीरियंस की थी। सेकंड हेल्विंग के इवेंट के वक्त BTC की प्राइस लगभग 43,600 रुपीस थी। हेल्विंग के बाद प्राइस इनिशियली फ्लक्चुएट हुआ, जिसके कारण एक मैसिव बुल रन देखने को मिला।
और दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की प्राइस नियरली 16,31,860 रुपीस तक पहुंच गई, जिसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो BTC ने हेल्विंग के 1.5 इयर्स के बाद लगभग 2300% का प्रॉफिट दिया। इसके बाद आता है हमारा थर्ड हेल्विंग इवेंट, जो कि May 11, 2020 में हुआ। इस हेल्विंग इवेंट के कारण BTC का माइनिंग रिवॉर्ड फिर एक बार आधा हो गया, 12.5 से घटके 6.25 BTC। हेल्विंग के इवेंट से पहले BTC की प्राइस जो लगभग 6,84,700 रुपीस थी, हेल्विंग के बाद प्राइस में वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस हुई। एक नोटेबल बुल रन एम्बार्क हुआ, जिसकी वजह से अप्रैल 2021 में BTC ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, 44,40,000 रुपीस तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये है कि हेल्विंग इवेंट होने के एक साल के अंदर अंदर BTC ने लगभग 580% का गेन शो करा था। फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन हेल्विंग। हेल्विंग इवेंट के पहले और बाद में बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद बिटकॉइन का प्राइस टिपिकली सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है। हर हेल्विंग बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट को लोअर करता है, जिससे BTC और रेयर और वैल्यूबल हो जाता है। इसलिए जो नेक्स्ट हेल्विंग है वो 2024 में है, वो बिटकॉइन की प्राइस को शायद एक बार फिर से उसको आसमान की ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। और यही नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि 2024 के नेक्स्ट हेल्विंग से बिटकॉइन का प्राइस 82 लाख से भी ऊपर जा सकता है, पोटेंशियली 1,64,00,000 तक भी, स्पेशली बिकॉज ऑफ वाइडर अडॉप्शन। लेकिन आपको यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिटकॉइन की प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड हेल्विंग उनमें से एक है। और ये जरूरी नहीं कि हर BTC हेल्विंग इवेंट के बाद BTC की प्राइस में जंप देखा जाए। तो BTC जैसे रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करना ना भूले। ऑलवेज रिमेंबर, डू योर ओन रिसर्च बिफोर investing in such coins. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ऐसी ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू। हाँ तो गाइस, मुझे 10 मिनट से याद आया कि आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस वीडियो को लाइक करने में और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो फटाफट कर लो और एम करते हैं 3,000 views.